even though it's been unspoken. फेस्टिवल्स खत्म हो गए, मिठाई भी खत्म हो गई, लेकिन बची हुई चाशनी सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो आइए उसी चाशनी को यूज करके बनाते हैं एकदम नई रेसिपी। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मैदे की जगह गेहूं का आटा। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और यकीन मानिए गेहूं के आटे से भी यह नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच सौंफ। आपके पास बारीक सौंफ या मोटा सौंफ जो भी आप यूज करते हैं उसे डाल सकते हैं। अब यह देखिए, यह मेरे पास है रूम टेम्परेचर पे घी, इसलिए थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है। इसे मैं पहले डालूंगी 2 बड़ा चम्मच और इसे डालने के बाद हम हाथों से मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक अच्छा मोयन वाला आटा तैयार करना है। अभी मुझे काफ़ी ड्राई लग रहा है तो इसमें 1/2 बड़ा चम्मच मैं घी और डाल देती हूँ। अब यह घी हमारा आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और उसके बाद इसका एक थोड़ा छोटा सा लड्डू बना के देखते हैं। यदि यह पूरा अच्छे से पैक्ड है, लड्डू बन रहा है, इसका मतलब मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है। अब यह मेरे पास गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी है, इसे भी मैं 1 कप ले रही हूँ और इस चाशनी को हम धीरे धीरे आटे में मिक्स करेंगे। अच्छा, ध्यान यह रखना है कि आपको चाशनी या तो आप गुलाब जामुन की चाशनी लीजिए या फिर जलेबी की चाशनी लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि जो व्हाइट रसगुल्ला की चाशनी आती है उसे यूज नहीं करना है, क्योंकि वो काफी पतला होता है तो उससे हमारा यह स्नैक्स अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ मैं अभी सिर्फ 1/4 कप ही चाशनी डाली हूँ और इसे मिक्स करके अच्छे से देखिए, अभी यह मुझे काफी ड्राई लग रहा है तो इसमें थोड़ा चाशनी और डाल देते हैं। चाशनी को धीरे धीरे करके ही डालेंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यह देखिए, यदि आपको चाशनी डालने के बाद यदि लग रहा है कि आप ऐसे आटा अच्छे से जोड़ सकते हैं, इसका मतलब आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। आइए अब थोड़ा आटा टेस्ट करके देख लेते हैं कि यह मीठा हुआ है या नहीं। यदि यह परफेक्ट है तो इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि इसका आटा बंध जाए, और यदि लग रहा है कि मीठा थोड़ा कम है तो इसमें 2 से 3 चम्मच जो बची हुई चाशनी थी वो हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इसका आटा इतना ही ड्राई और सूखा होना चाहिए, यदि आप इसे गीला करेंगे तो यह तेल में जाते ही साथ खुल जाएगी। अब यह देखिए, यहाँ मुझे पूरा 1/2 कप चाशनी लगा है 2 कप आटे के लिए, तो आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो आइए इसे अब हम 2 भाग में कर लेते हैं। ये देखिए, यह आटे का टेक्सचर इतना ही ड्राई होना चाहिए, फटाफटा सा होना चाहिए। वैसे तो आप इस चाशनी से आटे का हलवा, सूजी का हलवा या फिर बेसन का हलवा भी बना सकते हैं, और यदि आप इसे और ज्यादा दिन के लिए स्नैक्स के रूप में रखना चाहते हैं तो इसके शक्करपारे भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। यदि आपको लगे कि यह साइड में ऐसे फट रहा है तो ये बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है इसका, और इसी से पता चलेगा कि हमारा जो नया स्नैक्स है वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनने वाला है। यहाँ चकला मेरा थोड़ा स्लिप हो रहा था इसलिए मैंने नीचे एक कपड़ा रख लिया है, क्योंकि आपको चकले को ही धीरे धीरे घुमा के इसे बेलना है। यदि आप इसे हाथ से उठाएंगे आटे को तो यह टूटने का डर रहेगा। अब इसकी थिकनेस देखिए, यह 1/2 इंच का ही थिकनेस है। इसे साइड से जो एक्स्ट्रा हमारा दिख रहा है उसे हम काट के निकाल देते हैं, और उसके बाद आप इसे अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। और यह देखिए, यह इसकी थिकनेस है, कितना चिकना बना है। और दूसरी तरफ मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था। आइए देखते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। छोटा सा आटे का टुकड़ा डालिए, और डालते ही साथ यदि आपको लगे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं और यह फ्लोट होने लगा है, मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। एक बार में बस 5 से 6 पीसेस को ही डालिएगा। ज़्यादा डालने से इसके टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। तो यदि आपको लगेगा कि बबल्स आ रहे हैं तो इसे टच नहीं कीजिए, और जब लगेगा कि बबल्स बैठ गए हैं तो इसे तो फ्लेम हम कम कर देंगे और धीरे धीरे सभी को पलट देंगे, और 3 से 4 मिनट इसे हम फ्राई होने देंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there. आप इसे 15 से 20 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में रखकर भी खा सकते हैं। आइए इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वह उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। लग रहा है ना, देखने में बहुत ही सुंदर और क्रिस्पी। तो हो गई ना बहुत ही झटपट एक आसान सी रेसिपी तैयार।
मतलब आपने गुलाब जामुन भी खा लिया और साथ ही उसकी चाशनी का यूज करके इतना अच्छा स्नैक्स भी बना लिया। और यह देखिए, मेरे तोड़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अंदर से कितना खस्ता बना है। इसका एक एक लेयर दिखाई दे रहा है और यदि आप इसे एक हाथ से भी मैश करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से मैश्ड हो जाएगा और यही पहचान है इसके क्रिस्पी होने की। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और यदि अच्छी लगी तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।